आज हम एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन है, अहमद रैंडमली पिक्स अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अहमद ने एक कार्ड पिक किया है रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज, फर्स्ट पार्ट है अ क्वीन ऑफ हार्ट्स। अच्छा, ये है अ क्वीन ऑफ हार्ट्स, तो क्वीन का कितना, क्वीन के कितने हार्ट्स होते हैं, तो क्वीन का एक हार्ट होता है। सो अब पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो क्वीन का हार्ट एक होता है, तो 1/52 आ जाएगा, 52 प्लेइंग कार्ड्स टोटल। सेकंड पार्ट है आ हार्ट, तो हमारे पास हार्ट कितने होते हैं, हमारे पास 13 कार्ड होते हैं हार्ट के, तो यहाँ पे हमारे पास 13 आ जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ पे हमारे पास 13/52 आ जाएगा। यहाँ पे अब हमारे पास कटिंग होगी 13 के टेबल से, 13 ones are and 13 fours are, तो हमारे पास के इसका फाइनल आंसर आएगा 1/4। अब इसका थर्ड पार्ट है अ रेड कार्ड, तो हमारे पास रेड कार्ड टोटल 26 होते हैं। फॉर्मूला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 26/52। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ये 2 के टेबल से होगी, 26 आ गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, 13 ones are and 13 twos are, इसका फाइनल आंसर है 1/2। अब इसका फिफ्थ पार्ट है आप पिक्चर कार्ड। हमारे पास पिक्चर कार्ड कितने होते हैं, हमारे पास पिक्चर कार्ड 12 होते हैं। फॉर्मूला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 12/52। अब इसकी 2 के टेबल से कटिंग होगी, 2 6 are 12 and 2 26 are 52। अब फिर से 2 से होगी, 2 3 are 6, 2 1s are 2 and 2 3s are 6, 3 and 13 आ गया। सो ये इसका फाइनल आंसर है 13, 3/13।